अपराध के से जुड़े हुए किसी भी मामले में किसी भी नेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपराध शून्य प्रदेश हो, सुशासन युक्त प्रदेश हो, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, ये सरकार का प्रयास है। और कहीं कोई इसके विरुद्ध आचरण करेगा, चाहे कोई भी हो, तो जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्री अखिलेश यादव जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, अभी वो स्वप्न देख रहे हैं 2027 का, लेकिन 2024 में जो जीते हैं वह संभाल नहीं पा रहे हैं। जहां उनके सांसद जीते हैं वहां पर बवाल हो रहा है, वहां पर जहां वो स्वयं जीते हैं वहां पर बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई है, उनका ही साथी जेल में पड़ा हुआ है। अयोध्या सीट जीते वहां पर उनका जो अध्यक्ष है वहां का, उसके खिलाफ आरोप लगा हुआ है। जहां जाली नोट पकड़ी जा रही है वहां समाजवादी पार्टी का रिश्ता निकल रहा है। तो समाजवादी पार्टी अभी जो जीती है वो संभाल नहीं पा रही, तो आगे समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि क्या दवाइयों का दिल्ली में मनीष जी संभाले हैं, अभी उनको जवाब वहां दे देंगे। अपराध के से जुड़े हुए किसी भी मामले में किसी भी नेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपराध शून्य प्रदेश हो, सुशासन युक्त प्रदेश हो, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, ये सरकार का प्रयास है। और कहीं कोई इसके विरुद्ध आचरण करेगा, चाहे कोई भी हो, तो जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्री अखिलेश यादव जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, अभी वो स्वप्न देख रहे हैं 2027 का, लेकिन 2024 में जो जीते हैं वह संभाल नहीं पा रहे हैं। जहां उनके सांसद जीते हैं वहां पर बवाल हो रहा है, वहां पर जहां वो स्वयं जीते हैं वहां पर बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई है, उनका ही साथी जेल में पड़ा हुआ है। अयोध्या सीट जीते वहां पर उनका जो अध्यक्ष है वहां का, उसके खिलाफ आरोप लगा हुआ है। जहां जाली नोट पकड़ी जा रही है वहां समाजवादी पार्टी का रिश्ता निकल रहा है। तो समाजवादी पार्टी अभी जो जीती है वो संभाल नहीं पा रही, तो आगे समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि क्या दवाइयों का दिल्ली में मनीष जी संभाले हैं, अभी उनको जवाब वहां दे देंगे।